कैसे हैं कमाल भाई? जी हाँ मैं ठीक हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। खरगोश है? नहीं। बकरी है? नहीं। चूंटी है फिर? अरे जान, अब चूंटी कहाँ से आ गई भला? पता नहीं। हाथी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, वेल डन। ठीक है, अब मेरी बारी है। कौन होगा? पता नहीं, हो सकता है कि बाबा हों। चलें देखते हैं। मैडम, नूरजान के नाम एक पार्सल आया है। अच्छा ठीक है, दे दे मुझे। यहाँ पर साइन कर दें। ठीक है। ये कौन है? कार्गो आया है। बॉक्स लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये पार्सल किसके लिए आया है अम्मी जान? तुम्हारी दादी के लिए है। खोल कर देखें क्या? दादी की इजाजत के बगैर नहीं खोल सकते, क्योंकि ये उनके लिए आया है बेटा। इसके अंदर क्या होगा भाई? पता नहीं। भाई जरा देखें किसने भेजा है। मिट गया है। ओ भाई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होता, बस ये पता नहीं चलता कि किसकी तरफ से आया है। मुझे जानना है कि इसमें क्या है। मुझे भी। दादी जान को फोन करके पूछें कि इसे खोल ले हम। मैंने तो तुम्हें कहा था कि इस कदर जल्दी मत करो। तो फिर मैं क्या करती? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। फिर कोई टीचर ही बताओ मलिके बहन। हाँ वो भाई, क्या हुआ? फोन अटेंड नहीं कर रही वो। अब क्या करेंगे? पता नहीं। हाँ बाबा जानी। बाबा, किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? दादी जान के लिए बॉक्स आया है बाबा। कैसा बॉक्स? तुम्हारी दादी माँ घर पे नहीं है क्या? शायद मलिका आंटी के साथ गई हैं। वैसे ये बॉक्स किसने भेजा है? मिट गया है, पढ़ा नहीं जा रहा। ओह, आज ही भेजा है किसी ने। एक दिन में कैसे पहुंच गया, हैरत है। नहीं, ये एक साल बाद आया है। हाँ? जी हाँ, पार्सल की तारीख बता रही है। अच्छा, यानी पिछले साल आज ही की तारीख में भेजा था। अल्लाह अल्लाह, एक साल बाद कार्गो वालों ने भेजा है ये। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। अम्मी को कॉल की थी क्या? मैंने की थी, लेकिन अटेंड नहीं कर रही। जरूर मलिका साहबा के साथ घूम फिर रही होंगी अम्मी। अब क्या होगा? कार्गो वालों से पूछते हैं कि ये किसने भेजा है। मैं गजल को कॉल करती हूँ, वो भी इसी कंपनी में काम करती है, उससे पता चल सकता है। ठीक है। हेलो। हेलो गजल, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ यास्मीन, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अगर तुम फ्री हो गजल, तो मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? मैं फ्री हूँ। दरअसल आज हमारे घर एक पार्सल आया है, किसने भेजा है ये पता नहीं चल रहा। क्या तुम वो एड्रेस बता सकती हो? हाँ जरूर। ऐसा करो यास्मीन, तुम मुझे वो नंबर लिखवाओ जो पार्सल पे लिखा होता है। 141 141 345 345 983 983 889 889। ठीक है, बस अभी बताती हूँ। हाँ क्या हुआ गजल, कोई मसला है क्या? वो यहाँ पर तो लिखा हुआ है जान नामी शख्स ने भेजा है वो पार्सल। क्या जान ने भेजा है?
हाँ बिल्कुल, और एड्रेस भी तुम लोगों के घर का ही है जहाँ से पार्सल भेजा गया है। हमारे ही घर से हमारे ही घर में भेजा गया है? हाँ, मेरे सामने लिखा हुआ है। हेलो यास्मीन। वो गजल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करना चाहती हूँ। शुक्रिया की क्या बात है यास्मीन। ठीक है, क्या हुआ? हमारे ही एड्रेस से भेजा गया है, और पता है वो कह रही थी कि जान ने भेजा है। क्या मतलब है, जान कैसे भेज सकता है? मैंने तो नहीं भेजा। और वैसे भी तुम नहीं भेज सकते जान, एक साल पहले तो तुम 4 साल के थे, तो कैसे भेज सकते थे भला? मेरे ख्याल में जान नाम के किसी और आदमी ने भेजा है। ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे घर में तो जान बस एक ही है, और अगर हम में से किसी ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा है? हेलो बेटी, तुम लोगों ने मुझे कॉल की थी, खैरियत तो है? जी हाँ अम्मी, दरअसल आपके नाम एक कार्गो आया है यहाँ, यही बताना था आपको। कार्गो क्या? अल्लाह अल्लाह, किसने भेजा है? वो जान ने भेजा है। क्या जान ने? हाँ, एक साल पहले भेजा था मुझे जान ने। ठीक है अम्मी, बच्चे उसे खोलने के लिए बेचैन है। ठीक है फिर, तुम लोग खोल लो, मैं भी आ रही हूँ, जल्द ही मिलती हूँ आकर। खुदा हाफिज अम्मी जान। दादी जान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खोल लो उसे। चले फिर इसे जल्दी से खोलते हैं। ठीक है। ये तो एक स्वेटर है और एक खत भी है। याद आ गया। हाँ? ये स्वेटर दादी जान ने मेरे लिए बनाया था। उन्होंने ये खत किसके लिए लिखा था? मैंने ही कहा था दादी जान को खत लिख दें। किसके लिए लिखा था? 5 साल के जान के लिए। अस्सलाम वालेकुम 5 साल के जान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उस दिन दादी जान ने मेरे लिए स्वेटर बनाया, लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा है। दादी जान ने कहा इसको रख देते हैं, पर तब तक के नया नहीं रहेगा दादी जान, पुराना हो जाएगा। हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर तुम इसे अभी नहीं पहन सकते तो क्यों ना फिर ये स्वेटर 5 साल के जान को ही भेजा जाए। मैं तो अभी 4 साल का हूँ, 5 साल का जान कहाँ है? 5 साल का जान आने वाले साल में है। हाँ? मैं समझा नहीं। दादी जान ने वो स्वेटर एक बॉक्स में रख दिया, वो क्या करना चाह रही थी मैं समझा नहीं। 5 साल के जान के नाम तुम कुछ लिखना चाहोगे क्या? 5 साल का जान है कौन? है कोई एक, उसे जो तुम कहना चाहते हो कह दो, लाओ मैं तुम्हारी जगह लिख देती हूँ। 5 साल का जान क्या ये पढ़ सकेगा? पता नहीं, अगर नहीं भी पढ़ पाया तो शायद कोई उसके पास हो जो उसे पढ़ के सुना दे। मैं ये खत 5 साल के जान के नाम लिख रहा हूँ, जिसको मैं जानता तक नहीं। 5 साल के जान, उम्मीद है तुम मुझसे ज्यादा अच्छे होगे। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि तुम मुझसे 1 साल बड़े होगे। ये स्वेटर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाय बाय जान। और सबसे आखिर में जान और उसकी दादी माँ के साइन है। मतलब कि 5 साल का जान नहीं हूँ, ये खत मैंने अपने लिए ही लिखवाया था। अम्मी जान वाकई में कमाल करती हैं। बहुत अच्छा आइडिया था उनका। अस्तग़फ़िरुल्लाह तारिक बेटा, दादी जान आ गई। 5 साल के जान से तुमने मिल लिया क्या बेटा? वो तो मैं ही हूँ। 1 साल पहले तुम कैसे थे ये जानकर तुम्हें कैसा लगा छोटे साहब? बहुत अच्छा। मुबारक हो तुम्हें नए स्वेटर के लिए। बहुत शुक्रिया दादी जान। अल्लाह अल्लाह, हमें क्यों नहीं बताया था अम्मी जान? मैं तो जान को सरप्राइज देना चाहती थी, और तुम सब लोगों को भी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज बोलो? सब कुछ समझ आ गया है अम्मी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। किसकी बेटी? पार्सल में जो स्वेटर था वो जान का था, और खत भी जान का था, तो फिर उस पर नाम भी जान का लिखा होना चाहिए था ना? ऐसी बात है क्या? क्या फर्क पड़ता है, अब मैं बूढ़ी जो हो गई हूँ बेटा। 1 साल पहले जो स्वेटर दादी जान ने मेरे लिए बनाया था वो ये है। पता है मैं 5 साल का हो गया हूँ। आप सब भी ऐसा करें ना, अगले साल के लिए अपने नाम एक खत लिखें। देखिए मैं भी लिखवा रहा हूँ। चलो जल्दी करो जान। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम 6 साल के जान, उम्मीद है तुम अच्छे होगे।
जब तुम्हें मेरा ये खत मिलेगा तो तुम बहुत खुश होगे। मैं चाहता हूँ एक साल जल्दी से गुजरे